खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सोमवार से अमेठी के दो दिन से दौरे पर हैं राहुल गांधी। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी किसानों के साथ चौपाल पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। कुछ देर बाद राहुल थौरी जगदीशपुर में पीएमजीएसवाई की सड़कों का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद 3 बजे शुक्ल बाजार में बब्बन दुबे के घर कंडोलेंस में जाएंगे और फिर वहां से 4:30 बजे राष्ट्रमऊ सिंह ब्लॉक और तिलोई में कांग्रेस नेता के ब्राइटवे स्कूल का उद्घाटन करेंगे और फिर शाम 6 बजे तातारपुर गेस्ट हाउस जगदीशपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रात्रि वहीं पर विश्राम करेंगे। में कितना खर्चा? 1 बीघे और कितना पैसा बनेगा 1 बीघे में? 2,500। आप भी खेती करते हैं? कितना खेत है आपका? ये वाला कितने बीघे हैं? 10 बीघे। तो अमेठी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर, जहां राहुल गांधी दौरे पर निकले हैं अमेठी में। और दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल ने एक तरफ चौपाल लगाई थी और दूसरी तरफ किसानों से वो मुखातिब हुए थे, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की थी। तो ये दोनों तस्वीरें सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर दिखाई जा रही है आपको, जहां अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे थे। तो क्या नजारा रहा, क्या कुछ स्थिति रही, किस तरीके से उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और क्या कुछ समाधान के लिए उन्हें आश्वस्त किया, और दूसरी चीज किस तरीके से उन्होंने चौपाल लगाई थी, किसानों की समस्याएं सुनी थी, दोनों तस्वीरें अपने आप में जाहिर करती हैं कि हमदर्द यहां पर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी उन किसानों के। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, राहुल गांधी पहुंचे हैं अमेठी, किस तरीके की स्थिति देखने को मिली, किस तरीके से उन्होंने समस्याएं सुनी किसानों की? जी बिल्कुल, निर्धारित कार्यक्रम के तहत अमेठी पहुंचे हैं राहुल गांधी और सुबह लखनऊ से आने के बाद बब्बन द्विवेदी के यहाँ आ गए, कार्यक्रम में शामिल हुए उनके घर। उसके बाद वो एक उरेर में पड़ता है शुक्ल बाजार पाली का गाँव, वहाँ किसानों के साथ गोष्ठी करने के लिए निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि गाड़ी बीच में गाड़ी को रोककर और खेतों को देखकर, खेतों में काम कर रहे किसानों को देखकर गाड़ी रुकवा कर इस जाके किसानों से मिले वो, और महिलाओं से जो खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे सरकार के विषय में पूछा कि अब की सरकार में और पहले की सरकार में कितनी बड़ी कांग्रेस ने कितना बड़ा फायदा दिया, कितना बड़ा लाभ महसूस करते हैं, और जो समस्याएं आपकी, क्या समस्याएं आपकी हैं जो अभी तक अभी बनी हुई हैं, उनको जल्दी ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजीव।